बहुत दिनों से सोच रहे हैं खुद का एक बिजनेस करेंगे, लेकिन पैसा भी तो नहीं है। सोच रहे हैं कि बैंक से कुछ पैसा लोन ले लेंगे, उसके बाद अच्छा खासा एक बिजनेस करके ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे। लेकिन कौन सा बिजनेस करेंगे तो जल्द से जल्द बहुत पैसा कमा पाएंगे? क्या कभी हम बड़ा आदमी बन पाएंगे? पढ़ा लिखा करके तो मेरा सब दोस्त अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं, क्या मेरा नसीब में कोई भी नौकरी नहीं है? और यही सब बातें सोचते सोचते आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे आप अपना खुद का शौक को बिजनेस में बदल सकते हैं। तो फिर आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है फोटोग्राफी बिजनेस। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई फोटोग्राफी से कौन सा बिजनेस होने वाला है, इसीलिए आज का वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको पता चले कि फोटोग्राफी से कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलॉय और आप लोग देख रहे हैं बिजनी वे यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेंडिंग कोई भी नया बिजनेस आइडिया के बारे में सही जानकारी पाने के लिए अभी हमारा बिजनी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर आपको इस चैनल में अपलोड की गई हर एक वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका फ़ोन में पहुँच जाएगा। यदि आप पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप फोटोग्राफी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगा और आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हैं, इस बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करना है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपका खुद का एक कैमरा होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई आजकल का दिनों में एक अच्छा कैमरा खरीदने जाएंगे तो बहुत पैसा लगता है। अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा खरीदने का पैसा भी नहीं है तो आप किसी का कैमरा किराए पे लेके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरा, इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक अच्छा फोटो एडिटिंग जानना जरूरी है। अगर आप फोटो एडिटिंग जानते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन जिसको फोटो एडिटिंग नहीं आता है, मैं उन सारे दोस्तों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, आप कहीं से भी एक अच्छा फोटोशॉप ट्रेनिंग लेके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर दे दूँगा, चाहे तो आप वहाँ से जाके 1,500 से 2,000 रुपये खर्च करके 2 महीने का एक कोर्स कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपका जितने भी रिश्तेदार दोस्त या फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में जितना भी दोस्त है उन सबको बता दीजिए कि आप खुद का एक फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किए हों, और आप एक फेसबुक पेज खोल के उसमें आपके द्वारा लिया गया बढ़िया बढ़िया फ़ोटो डाल के भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। साथ में आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपका खुद का फ़ोन नंबर भी दे दीजिए, इससे आपको फेसबुक पेज से भी बहुत सारे कस्टमर मिल जाएगा। इस बिजनेस में आप एक दिन में लाखों रुपया नहीं कमा पाएंगे, इसके लिए जरूरत होगा आपकी फेमसिटी, मतलब आपको काम का एक्सपीरियंस जितना होगा आपको उसी के हिसाब से ऑर्डर मिलता रहेगा। आजकल लोगों के पास महंगा फ़ोन रहने के बावजूद भी लोग शादी तिलक जन्मदिन में एक अच्छा फोटोग्राफर को बुलाते हैं और आपको उन्हीं सब कामों का तलाश करना है। अगर आप एक शादी में फोटोग्राफी करते हैं तो 20 से 30 हज़ार कमाना आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं होगा। इसी के हिसाब से महीने में आपको अगर 15 ऑर्डर मिलते हैं तो आप आराम से 3 से 4.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा भाई शादी तो साल का कुछ ही महीना चलता है, उसके बाद हम क्या करें? हाँ, इसके लिए भी उपाय है। आपके द्वारा लिया गया फ़ोटो आप एडोबी स्टॉक आई स्टॉक फ़ोटो लिया की जैसे बड़ा बड़ा वेबसाइट में सेल करके भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। चाहे तो आप खुद का घर में ही एक स्टूडियो खोल सकते हैं। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट शूट, मॉडल शूट या न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए भी आप फोटोशूट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज का मेरा इस बिजनेस आइडिया के बारे में अगर आपका मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर से एक बार आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आपकी कड़ी मेहनत और आपकी ईमानदारी ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी और एक नया बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक जय हिंद।